गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? हाँ ठीक हो ना। ठीक है। तो देखिए, हमने पिछली तासिका में क्या पढ़ा था? याद है? हाँ प्रार्थना। प्रार्थना देखी थी, ठीक है। और हमने सवाल जवाब भी देखे थे, और एक रह गया है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है? 59 पेज नंबर 59 पे अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाओ, वो बाद में देखेंगे, ठीक है? तो आगे हम आज देखने वाले हैं पेज नंबर 60। हाँ, आपको पेज नंबर 60 ओपन करना है। टेक्स्ट बुक निकालिए। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? पेज नंबर है 60। हाँ, तो ये क्या है देखिए, पेज नंबर 60 पे मेरा परिवार, पाठ है मेरा परिवार। हाँ, यहाँ पे देखिए चित्र भी दिया है उन्होंने। हाँ, मेरा परिवार। अभी मेरा परिवार मतलब क्या? आपका भी परिवार है ना? आपका परिवार है, सभी का परिवार रहता है। आपके परिवार यानी आपके घर में कौन कौन रहता है? हाँ, दादाजी रहते हैं, दादी दादी रहती है, हाँ, माँ रहती है, पिताजी रहते हैं, आपकी छोटी बहन, छोटा भाई, आप, ये तो एक सब तो एक परिवार ही है ना। तो वैसा ही एक यहाँ पे आपने टेस्ट बुक में मेरा परिवार यानी यहाँ पे जो एक लड़का है तो उसका परिवार है। हाँ, तो उस परिवार में कौन कौन है यहाँ पे दिया है। तो आज है पाठ, हमें आज पढ़ना है, ठीक है? तो आपके जैसे परिवार, आपके घर में कौन कौन रहता है ना, वैसे ही उदय नाम का जो लड़का है, उस उदय नाम के लड़के के घर में कौन कौन रहता है, क्या काम करते हैं, उदय कहाँ पढ़ता है, उदय क्या काम करता है, उसकी छोटी बहन क्या करती है, ये सब हमें आज पढ़ना है, ठीक है? तो टेस्ट बुक निकालिए, निकालिए जल्दी जल्दी। निकाला है टेस्ट बुक? निकालिए। तो हमारे पाठ का नाम मेरा परिवार। हाँ, तो हम पहले परिच्छेद पढ़ते हैं पहला। हाँ, ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। मेरा नाम उदय है। अभी यहाँ जो लड़का है उसका नाम क्या है? उदय। हाँ, मेरा नाम उदय है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार है, वे एक दफ्तर में काम करते हैं। आगे का भी परिचय हम पढ़ेंगे, ठीक है? मेरी माता जी का नाम आभा है, वे एक स्कूल में पढ़ाती है। मेरी छोटी बहन सोनल है, वह अभी स्कूल नहीं जाती, वह घर में दादी के पास रहती है, सारा दिन खेलती है और गाती है। यहाँ पे गाना है देखिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। ये क्या है गाना है? हाँ, क्या वो गाती है? तो यहाँ पे दिया है देखिए, गा क्या गाती है। हाँ, तो आज हम अभी पहले परिच्छेद की ओर बढ़ेंगे। देखिए, मेरा नाम उदय है। अभी ये जो लड़का है उसका नाम क्या है? उदय है। आपका भी तो नाम है ना? आपका नाम क्या है? हाँ, सभी के नाम है ना? वैसे ही इस लड़के का नाम है उदय। मैं दिल्ली में रहता हूँ। वो तो कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। आप भी तो गढ़ी गुलज में रहते हो। हाँ, कोई वहाँ, कोई अलग गांव में रहते हैं, सभी अलग अलग गांव में रहते हैं। वैसे ही ये लड़का है उदय नाम का, वो दिल्ली में रहता है। मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। अभी टेस्ट टेस्ट बुक में देखिए, आपकी उंगलियाँ वहाँ पर होनी चाहिए। हाँ,
देखिए, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। अभी जो ये लड़का है उदय नाम का, वो किस कक्षा में पढ़ता है? पहली। तो आप किस कक्षा में पढ़ते हो? हाँ, वेरी गुड, आप भी तो पहली कक्षा में पढ़ते हो। मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार है। अभी जो उदय नाम का लड़का है, उसके पिताजी है ना, उसके पिताजी का नाम क्या है? अशोक कुमार। आपके पिताजी का नाम क्या है? वो आप लिख सकते हो। हाँ, वे एक दफ्तर में काम करते हैं। अभी वे कहाँ काम करते हैं? बोले, कहाँ काम करते हैं? हाँ, एक दफ्तर में काम करते हैं। हाँ, उदय नाम का जो लड़का है, उसके पिताजी एक दफ्तर में काम करते हैं। ठीक है, तो आपके पिताजी है, आपके भी पिताजी काम करते हैं ना, अलग अलग जगहों पर। हाँ, अलग अलग काम करते हैं ना, वैसे ही इस लड़के का, लड़के के पिताजी भी एक दफ्तर में काम करते हैं। आगे देखिए, आगे का परिचय क्या है? मेरी माता जी का नाम आभा है। हाँ, देखिए आगे का परिचय, देखिए आगे का परिचय है, आगे का परिचय क्या है? देखिए, मेरी माता जी का नाम आभा है। अभी उदय नाम का जो लड़का है, हाँ, उदय नाम का जो लड़का है, उसकी माता का नाम क्या है? आभा है। अभी आपकी माताजी भी, माताजी का भी नाम है ना, तो ऐसा आपको आया माताजी का नाम लिखिए, तो आप अपने माताजी का नाम लिख सकते हो। हाँ, ये याद रखना है। ठीक है, वे एक स्कूल में पढ़ाती है। तो वो माताजी है ना, वो क्या काम करती है? एक स्कूल में, स्कूल में क्या काम करती है? स्कूल में पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाने का काम करती है। देखिए, तो आपकी भी मम्मी रहती है। हाँ, आपकी भी मम्मी है, तो माता जी है, आपकी भी माता जी स्कूल में भी काम करते हैं, कहीं जॉब पे जाते हैं, अलग अलग जॉब पे जाते हैं। वैसे ही ये जो माता जी है, ये जो माता है उदय नाम की, उदय नाम का जो लड़का है, उसकी माता जी है, तो स्कूल में पढ़ाने का काम करती है। कितना अच्छा है ना, देखिए घर भी देखती है, आपको भी देखना पड़ता है, और स्कूल में भी जाना पड़ता है। तो आपको भी अपनी मम्मी जी, माता जी, माता जी हाँ, पिताजी, इनको क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। क्यों मदद करनी चाहिए बोलिए? तो वो भी आपको संभाल कर घर में सब देख कर कहाँ जाते हैं? घर में कहाँ जाते हैं? अपने काम पे जाते हैं, है ना। देखिए, आपके टीचर भी तो अभी कोरोना है। हाँ, कोरोना है, आपको क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन आप ले रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन। तो टीचर, आपके टीचर भी कहाँ घर का सारा काम कर कहाँ आपको ऑनलाइन देते हैं ना, तो आपको भी क्या करना है? स्टडी करनी है। और आपको होमवर्क, डेली होमवर्क भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि वहाँ पे टीचर मेहनत करती है, तो बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ती है ना, करना है। ठीक है, तो आगे का परिचय देखिए, आगे क्या है? आगे है, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वो चित्र देखिए, चित्र देखिए आगे, यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रही है ना। आगे देखेंगे आगे का परिचय। हाँ, मेरी छोटी बहन सोनल है। अभी उदय नाम का जो लड़का है ना, उसकी छोटी बहन भी है। आपकी भी बहन रहती है ना, छोटी बड़ी, वैसे उदय नाम का जो लड़का है, उसकी क्या है? एक छोटी बहन है। और छोटी बहन का नाम क्या है? नाम नहीं है, मेरी छोटी बहन, हाँ, छोटी बहन का नाम यहाँ दिया है सोनल है। उसका नाम क्या है? सोनल है। हाँ, वह अभी स्कूल नहीं जाती। तो अभी वह
वो अभी स्कूल नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? वो तो छोटी है ना, इसीलिए स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती यानी वो क्या करती है? हाँ, घर में खेलती है। देखिए, आपके दादाजी दादी रहते हैं, वो उन्हें संभालते हैं। हाँ, कहानी सुनाती सुनाते है, गानी गा कहानी सुनाती है। हाँ, वो उनको क्या करते हैं? दादाजी वगैरह रहते हैं उनके पास, वो रहते हैं ना। आप भी तो अभी घर में हो, घर में क्या करते हो आप? हाँ, स्टडी भी करते हो और खेलते भी हो, है ना। तो वह छोटी बहन अभी स्कूल नहीं जाती, वह घर में दादी के पास रहती है। देखिए, दादी के पास वह दादी के पास रहती है। अभी वो छोटी है, इसलिए दादी दादी उसको क्या है? संभाल रही है। क्यों? वो तो छोटी है। और उसकी माता जी बाहर जाती है, स्कूल में पढ़ाने जाती है, इसलिए दादी के पास वो रहती है। देखिए, दादी क्या सुना रही है उसको? हाँ, सारा दिन खेलती है। अभी वो छोटी है, इसीलिए सारा दिन खेलती है और गाती भी है। देखिए, गाती भी है। क्या गाती है? देखिए आगे कितना अच्छा दिया है। देखिए क्या गाती है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। देखिए क्या गाती है वो। तो ये सारा एक क्या है, वो छोटी बहन जो है उसका वो सारा दिन खेलती भी है, गाती है। हाँ, तो वो स्कूल नहीं जाती, वो तो अभी छोटी है। ठीक है, तो वैसा ये परिवार है। हाँ, तो आपका भी तो परिवार है, आपके परिवार में कौन कौन रहता है आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, वैसा ये उदय नाम का लड़का है, उसका परिवार है, उसके माता जी का नाम भी दिया है। वो क्या काम करती है? पिताजी का नाम दिया है, वो क्या काम करते हैं? दादी जी है, दादी जी क्या संभालती है? हाँ, छोटी बहन को संभालती है, उदय नाम की जो लड़का है। हाँ, ये सारा आपको समझ में आया है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? आपको ये घर में पाठ पढ़ना है। ठीक है, भूलना नहीं है, पाठ पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे जैसा मेरा परिवार है ना, उदय का परिवार है, वैसे ही यहाँ पे हमें सवाल जवाब देखने वाले हैं। हाँ, ठीक है, देखेंगे। तो अभी यहाँ पे उदय है, तो आपका भी नाम आ सकता है ना? उदय आपका भी नाम क्या आ सकता है? आपके स्कूल का नाम क्या है? ऐसे भी आ सकता है, तो आपको लिखना आना चाहिए सभी। हाँ, ये सारा परिवार क्या है? मेरा परिवार है, मेरा परिवार कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 61 क्या है। पेज नंबर 61 पे एक्टिविटी है। हाँ, क्या है पेज नंबर पे? 61 पेज नंबर पे एक्टिविटी है। देखिए ऊपर है, ये क्या करना है? पेंसिल लेके आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। ठीक है, और ये आप एक्टिविटी है, इसलिए सेपरेट पेपर पे भी कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, आपको करना है। ठीक है, अपना और अपने माता पिता भाई या बहन का चित्र चिपकाओ और वाक्य पूरे करो। अभी यहाँ जो है, मैं बहन भाई, हाँ बहन भाई, एक ही फोटो आपको यहाँ पे लगाना है। माता जी का नाम, माता जी का फोटो, और यहाँ पे पिताजी का फोटो, हाँ चिपकाना है यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या दिया है देखिए, देखिए मैं डैश में, यहाँ रिक्त स्थान है, मैं कौन हूँ? तो आप लिख सकते हो, आप कौन हो? हाँ, मैं यहाँ पे कैसे, उदय उदय हूँ, तो आप क्या हो? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरी आयु। हाँ, रिक्त स्थान है, साल है, तो आपकी उम्र लिख सकते हो यहाँ पे। यह मेरी मेरा आपकी कौन है? बहन भाई। हाँ, आप लिख सकते हो इसका नाम, यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसका नाम क्या है? हाँ, वो भी नाम लिख सकते हो, यानी भाई भाई या बहन का नाम लिख सकते हो। ए मेरी या मेरे है, कौन है? तो आपको ये क्या करना है, ये सारा यहाँ पे लिखना है रिक्त स्थान पे, और कहाँ पे लिखना है? टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है, पेज नंबर है यस डेब्यू, हाँ 61। ठीक है,
पे पेज नंबर, ये आपको करना ही, ठीक है। एक्टिविटी है सारी, हाँ इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी है। देखिए पेज नंबर है 61, ठीक है। तो आगे देखिए, मुझे ए फल पसंद है, मुझे ए फल पसंद है, फलों के नाम लिखो। अभी आपको तो बहुत सारे फल पसंद है ना, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फलों के नाम लिखो। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको जो पसंद है फल, वो फलों के नाम लिखना है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे एक है, मुझे ए पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पशु पक्षी अच्छे लगते हैं ना, तो आपको क्या करना है, पशु पक्षियों के नाम लिखो, पशु पक्षियों के नाम लिखना है, ठीक है। आपको जो पसंद है वो नाम लिखना है यहाँ पे, और ये सारा होमवर्क भेजना है आपको, करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये पाठ समझ में आया है, और आगे का हम अगली तासिका में देखेंगे। आज की तासिका हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपको क्या करना है, डेली होमवर्क भेजना है, सारे नहीं भेजते, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेली का होमवर्क डेली भेजना है, ठीक है, और घर में पाठ वो पढ़ना है, पाठ पढ़ना है, और बोलना है मैंने मिस मैंने पाठ पढ़ा है, हाँ ठीक है, ओके। तो आज की तासिका हम यही समाप्त करेंगे, हाँ। तो आपको पेज नंबर 61 पे जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी के नीचे क्या है आपको मालूम है ना, वो भी आपको करना है ना, वो एग्जाम में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आज की तासिका हम यही पे समाप्त करेंगे, धन्यवाद।